हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम हेयर के लिए एक लड्डू बनाएंगे। लड्डू वाला बोल तो खाने वाला नहीं है, हेयर को अप्लाई करने वाला है। आप चाहे तो इस तरह से बनाकर स्टोर कर सकते हो। ये तो इसमें तो मैं नेचुरल अलवेरा डालिंग थी, इसलिए ये तो बाहर स्टोर नहीं कर सकते हैं, आपको फ्रिज में रहना होगा। लड्डू हो या जो मिक्स करते हैं ना बाद में, वो भी आप फ्रिज में ही रख सकते हो। अब इस लड्डू को कैसे बनाना है, क्या क्या चीज़ें डालना है, वो सारे आपको बता देती हूँ। इसमें हम मेथी पाउडर यूज़ करेंगे। मार्केट में आपको सारे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आमला पाउडर, त्रिफला पाउडर, ये सारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। मुल्तानी मिट्टी और भृंगराज पाउडर, ये तो हमको सारे लोकल में आयुर्वेदिक शॉप में मिलते हैं, इसलिए मैं तो ऑनलाइन में बिल्कुल नहीं खरीदती हूँ। जो मिलते हैं ना, वो सारे आयुर्वेदिक शॉप में आपको भी मिलते हैं, आप ट्राई कीजिए। रोज वाटर, एलोवेरा, क्या क्या डालना है ये सारे मैं आपको मिक्स करते समय भी बोलूँगी। है शीका काया पाउडर है, ये सारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको कोकोनट ऑयल भी लेना है, इसमें रोज़ वाटर भी डालना है। अब इसको कैसे बनाना है ये भी देखते हैं। पहले से एक बाउल ले लीजिए, उसमें मैं डाल रही हूँ त्रिफला पाउडर। ये वाला त्रिफला पाउडर बहुत ही अच्छा है, इसको आप सेवन भी कर सकते हैं, वाटर में मिक्स करके पी भी सकते हो, उतना अच्छा त्रिफला पाउडर है। ये भी आयुर्वेदिक शॉप में भी ली हूँ। और ये है आंवला का पाउडर। सारे ना मैं इसमें एक एक टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। ये सारे एक एक टेबलस्पून डालने से ना मुझे चार लड्डू बन गए थे। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो आप ज़्यादा ले सकते हो। अब इसमें मैं डाल रही हूँ करी पत्ता का पाउडर, ये भी इजीली अवेलेबल हो जाता है आयुर्वेदिक शॉप में या ऑनलाइन में भी आपको मिलता है। और ये है भृंगराज पाउडर। हम इसमें जो भी चीज़ें डाल रहे हैं ना, वो सारे हेयर के रूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है, हेयर फॉल को रोक देता है, हेयर बहुत ही हेल्दी से, लॉन्ग से और थिक से बनने के लिए भी काम करता है। ये तो हरीताकी पाउडर है, ये भी आयुर्वेदिक शॉप में मिल जाता है। ये हेयर फॉल को रोकने के लिए काम करता है, स्कैल्प पे जो भी इन्फेक्शन है उसे निकालने के लिए भी काम करता है। इसको भी मैं एक टेबल स्पून डाल दी थी। बाद में हम डाल रहे हैं इसमें नीम के पत्तिया का पाउडर, ये भी एक टेबल स्पून डाल रही हूँ। सारे एक एक टेबल स्पून डाल दीजिए। अब मैं डाल रही हूँ मेथी का पाउडर, ये भी बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही नेचुरल है, मार्केट में मिलता है ना, वो नेचुरल है, अच्छा है। आप ये भी ट्राई कर सकते हो, या नहीं तो आप चाहे तो घर में भी बना सकते हो, लेकिन थोड़ा मुश्किल है घर में बनाना, इतना अच्छा पाउडर नहीं बनता है। बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ शिकाकाई का पाउडर। शिकाकाई का पाउडर आप और भी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हो। बाद में इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी। लड्डू के लड्डू बनाते हैं ना, लड्डू को आउटलाइन बनाने के लिए हम मुल्तानी मिट्टी से ही एक आटा जैसे बनाकर यूज़ करने वाले हैं, इसलिए इसमें मैं थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी डाल रही हूँ। अगर आप लड्डू नहीं बना रहे हैं, ऐसे ही पाउडर जैसे बनाना चाहते हो, तो इसमें थोड़ा सा 2 टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी डालकर रख दीजिए। अब इसमें मैं तो नेचुरल एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, इसलिए तो हम तो इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर आप स्टोर करना चाहते हो तो आप मार्केट वाला एलोवेरा यूज़ कर सकते हो। अगर आप फ्रिज में आराम से घर पे ही बना रहे हैं, फ्रिज में रख सकते हैं ना, इसलिए आप नेचुरल एलोवेरा भी डाल सकते हो। हम तो आज इसमें नेचुरल एलोवेरा डालकर बनाए थे ना, इसलिए इसको फ्रिज में ही रहना पड़ेगा। लड्डू हो, जो भी लड्डू बनाने के बाद जो भी मिक्सर यूज़ करते हैं ना, वो वाला भी आपको फ्रिज में ही रहना पड़ेगा। अगर आप सारे पाउडर्स डाल के बना रहे हो तो आप नॉर्मल से बाहर भी रखकर स्टोर कर सकते हो। इसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, जितना ज़रूरत होता है उतना कोकोनट ऑयल डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जैसे आटा बनता है ना, इस तरह से बन जाता है, इस तरह से आटे जैसे बन जाता है, आपको राउंड बाल जैसे बना सकते हो। आप ज़रूरत हो तो थोड़ा ऑयल डाल दीजिए। अगर आप ओनली पाउडर्स स्टोर करना चाहते हो तो 3 या 4 मंथ्स भी स्टोर कर सकते हो। आप सारे पाउडर्स डाल दीजिए, उसमें कोकोनट ऑयल डाल दीजिए, मिक्स करके एक डब्बा में रख लीजिए। आप जब अप्लाई करना चाहते हो तो जब थोड़ा सा ऑलिवेरा, थोड़ा सा रोज वाटर डालकर पेस्ट जैसे बनाकर आपको हेयर को अप्लाई कर लीजिए। देखिए हमारे लड्डू तो बनकर रेडी हो गया है। अब इसको मुल्तानी मिट्टी का कोटिंग देते हैं, इसलिए एक बाउल लीम थी, वही बाउल लीम थी, उसमें मैं डाल रही हूँ मुल्तानी मिट्टी। जितना ज़रूरत है उतना डाल सकते हो। मुल्तानी मिट्टी भी हेयर को एक क्लेंजर जैसे काम करता है, जो भी स्कैल्प इन्फेक्शन डैंड्रफ है उसे निकालने के लिए भी काम करता है। मैं तो इसमें थोड़ा सा मार्केट वाला एलोवेरा जेल डाल रही हूँ, थोड़ा सा रोज वाटर और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल, ये सारे डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसे कैसे अप्लाई करना है, इसे नॉर्मल से आप दही में सोक कर दीजिए,
या 2-3 घंटे सोक कर दीजिए, बाद में हेयर को अप्लाई कर लीजिए, बाद में 1 घंटा ऐसे ही रख दीजिए, बाद में शैम्पू कर लीजिए, क्योंकि इसमें ऑयल है इसलिए ऑयली ऑयली होता है। अगर आप शैम्पू नहीं यूज़ करना चाहते हैं, ऐसे धोना चाहते हो तो भी आप धो सकते हो। देखिए हमारा मुल्तानी मिट्टी का बेस तो रेडी हो गया है। इस तरह से मिक्स कर लेना है, थोड़ा चपाती का आटा है ना उस जैसे ही, इसको इस तरह से जो भी बॉल है ना उसको बीच में रख के इस तरह से राउंड से अच्छे से आने तक हाथ से अप्लाई कर लीजिए, जैसे शेप देने के लिए है। नेचुरल हम तो घर में सारे पाउडर्स डालकर बनाना, वो तो बहुत ही अच्छा होता है, इजी होता है। देखिए इस तरह से लड्डू बन गया है। सारों को इस तरह से ही मैं मुल्तानी मिट्टी की कोटिंग अप्लाई करूँगी। और मार्केट जैसा कोटिंग देखने के लिए और एक कोटिंग देना पड़ेगा। एक बाउल ले लीजिए, उसमें जो भी पाउडर्स है ना, भृंगराज पाउडर, आंवला पाउडर और त्रिफला पाउडर, और सारे उसमें थोड़े थोड़े डाल दीजिए। करी पत्ता का पाउडर जो भी हम इसमें डाले थे ना, वही पाउडर्स थोड़े थोड़े डाल दीजिए। जो भी पाउडर्स है ना वो सारे तो मैं डाल देती थी, करी पत्ता, आंवला पाउडर, नीम पाउडर, वो सारे डाल दीजिए। उन सारों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, बाद में हम जो भी लड्डू बनाए थे ना उसको इसमें डालकर अच्छे से इस तरह से कर लीजिए। देखिए हमारा लड्डू तो बन के रेडी हो गया है। सारे ऐसे ही बनाकर बाजू में रख दीजिए। अगर आपके लड्डू ज़्यादा ड्राई हो तो आप ऑयल डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑयल तो एक बाइंडिंग जैसे काम करता है। जो भी बन गए हैं ना 4 लड्डू, 4 को मैं ऐसे ही बनाकर रख देती हूँ। इसको मैं तो नेचुरल एलोवेरा डाली थी ना, इसलिए इसको तो बाहर नहीं रख सकते हैं, इसमें एक बाउल में डालकर फ्रिज में रख दूंगी। बन गए हैं हमारे हेयर के लिए लड्डू। ये जो भी पाउडर्स डाले थे ना वो हेयर के लिए अमेजिंग से काम करते हैं, हेयर को थिक करते हैं, हेयर को लॉन्ग करने के लिए भी मदद करते हैं। अब इसको कैसे मिक्स करना है, कैसे अप्लाई करना है देख लीजिए। हमारा लड्डू तो बन के रेडी हो गया है। इसे आप छाछ में दही में डालकर भिगो के रख दीजिए, 1-3 घंटे तक भिगो के रख दीजिए। आप चाहे तो नाइट पूरे भी इसको भिगो कर रख सकते हो। नेक्स्ट डे आप इसको हेयर पे, स्कैल्प पे अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छा होता है। एक आयुर्वेदिक का जो भी यूज़ करते हैं ना वो वाला स्मेल आता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के। बन गई ना अच्छा से लड्डू। अब इसको छाछ में दही में मिक्स कर लीजिए, भिगो के रख दीजिए 3-4 घंटे, बाद में हेयर को अप्लाई कर लीजिए, बाद में आप चाहे तो शैम्पू कर लीजिए, या नहीं तो ऐसे ही पानी से भी इसको धो सकते हो। हेयर को लॉन्ग करने के लिए, थिक करने के लिए, हेयर के प्रॉब्लम्स निकालने के लिए ये आयुर्वेदिक लड्डू बहुत ही बढ़िया से काम करता है। अगर आपको भी इस तरह से बनाना चाहते हो तो लड्डू जैसे बना लीजिए, या नहीं तो नॉर्मल पाउडर्स डालकर मिक्स करके रख दीजिए। वो है तो आप 3 या 4 मंथ्स तक आराम से स्टोर करके रख सकते हो, फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। वो सारे पाउडर्स ऑयल मिला के रख दीजिए, बाद में जब चाहे जब आप एलोवेरा या दही या थोड़ा सा रोज़ वाटर मिक्स करके अप्लाई कर लीजिए। अच्छा है ना, आपको अच्छा लगा ना ये वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए नए हो तो। इस वीडियो देखने के लिए आप सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।